हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूजीलैंड के 6 ऐसे वीज़ा जिनमें लोग सबसे ज़्यादा न्यूजीलैंड मूव करते हैं या आते हैं। तो ऐसे कौन कौन से 6 वीज़ा हैं उनके बारे में बताऊंगा, उन वीज़ा में आने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो और ये कितने कितने साल के क्या क्या होता है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इंस्टाग्राम में आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं करा है तो सेम नाम लवली रणा एंजल से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो करें। आप डीएम करके कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं, और कमेंट करके आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। न्यूजीलैंड के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं, जितना मेरे को नॉलेज होगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। नंबर वन, सबसे पहले आता है हमारा वर्क परमिट वीज़ा। वर्क परमिट वीज़ा जो है, अभी तक हमें 3 ईयर वर्क परमिट वीज़ा मिल रहा है। उस वीज़ा में हम जिस कंपनी ने हमारा वीज़ा अप्लाई किया है या जिस कंपनी से हमारा वीज़ा लगा है, हम वहीं पे ही काम कर सकते हैं। बट अभी नवंबर से जो है नए रूल आ रहे हैं, वो वर्क वीज़ा जो है 3 ईयर नहीं, हमें 5 ईयर का मिलेगा और हम उसी कंपनी पे काम कर सकते हैं जहाँ के लिए हमारा वीज़ा लगा हुआ है। इधर उधर हम कहीं भी काम नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप आके यहाँ पार्ट टाइम यहाँ वहाँ जॉब करोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारा वर्क परमिट वीज़ा है 3 ईयर का, उसमें हमें वहीं ही काम करना पड़ेगा। या 5 ईयर का भी मिलता है उसके बाद, नवंबर के बाद, तो हम सिर्फ उसी कंपनी में काम कर सकते हैं, इधर उधर नहीं कर सकते हैं। और जिनका ऑलरेडी 3 ईयर वर्क परमिट वीज़ा लगा हुआ है, उनका 2 जो है प्लस हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 5 ईयर का। और उसके बाद हमें 1 साल इंडिया वापस जाना पड़ेगा, फिर दोबारा वर्क परमिट वीज़ा लगेगा। अगर उस बीच में हमने PR कर ली तो वो अलग बात है, या PR अप्लाई कर लिया, हमारी PR हो गई, नहीं तो हमें 1 साल के लिए इंडिया मूव करना पड़ेगा, या आपकी जो भी होम कंट्री होगी आपको वहाँ जाना पड़ेगा। 1 साल के बाद आप दोबारा वर्क परमिट वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हो। नंबर टू में आता है हमारा टूरिस्ट वीज़ा, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जो है न्यूजीलैंड आते हैं और न्यूजीलैंड में घूमते हैं। कुछ लोग जॉब सर्च करते हैं, कुछ लोग घूमने के पर्पज़ से आए होते हैं, तो कुछ फिर कन्वर्ट करवाते हैं वर्क वीज़ा में। तो ये जो हमारा टॉप का नंबर 2 में आता है, वो आता है टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा में आप आके यहाँ पे जो है जॉब सर्च कर सकते हो, इंटरव्यू दे सकते हो, अपना जो आपका टूरिस्ट वीज़ा है उसको कन्वर्ट करवा सकते हो वर्क वीज़ा में। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ आके जॉब ढूंढनी पड़ेगी, कहीं इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर वो कंपनी आपको हायर करेगी, आपको वर्क परमिट वीज़ा दिलाएगी। तो नंबर 2 जो है ये वीज़ा आता है। आप टूरिस्ट वीज़ा पे जो है काम नहीं कर सकते हैं, काम ढूंढ सकते हैं, जॉब ढूंढ सकते हैं, फिर आपका जो है टूरिस्ट वीज़ा जो है कन्वर्ट हो जाता है वर्क वीज़ा में। नंबर तीन में आता है हमारा स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा लेके जो है बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, यहाँ पे स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद जो है उन्हें वर्क वीज़ा मिलता है, और स्टडी टाइम पे जो है वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, वीक में 20 आवर्स, इससे ज़्यादा नहीं, 20 घंटे वो काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं स्टडी वीज़ा में आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, स्टडी करते हैं, स्टडी करने के साथ साथ पार्ट टाइम काम करते हैं, अपना खर्चा वगैरह, रूम रेंट, खाने का थोड़ा बहुत निकाल लेते हैं यहाँ से 20 घंटे काम करके। पार्ट टाइम काम होता है वो, ऐसा नहीं आप फुल डे काम कर सकते हैं उसमें, बट पार्ट टाइम काम कर सकता है। हाँ, जब आपके हॉलीडे होते हैं, जब भी 1 मंथ के 2 मंथ के, तब आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे 20 आवर्स आप वीक में काम करोगे, 20 घंटे से ज़्यादा आप स्टूडेंट वीज़ा पे काम नहीं कर सकते हैं, जो यहाँ का इमिग्रेशन का रूल है। तो बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं और स्टडी करने के बाद उनको जो है वर्क वीज़ा मिलता है। नंबर 4, स्पोज वीज़ा। स्पोज वीज़ा कपल के लिए है, हस्बैंड या वाइफ किसी का वर्क परमिट वीज़ा लगा हुआ है, साथ में जो है स्पोज वीज़ा मिलता है उनके पार्टनर के लिए। तो ये वीज़ा डिपेंडेंट वीज़ा की तरह ही होता है, वो इस वीज़ा पे आके जो है काम नहीं कर सकते हैं। पहले का जो अपडेट था उसमें जो था स्पोज वीज़ा में आके आपको जो है ओपन वर्क वीज़ा मिलता था, जिसमें आप कहीं भी काम कर सकते थे। बट अभी इमिग्रेशन ने ये रूल चेंज कर दिया है, आपको जो है स्पोज वीज़ा मिलेगा, बट वो मिलेगा डिपेंडेंट वीज़ा, आप अपने हस्बैंड या वाइफ पे डिपेंड हो। आप यहाँ आने के बाद जो है इंटरव्यू दे सकते हो, जॉब सर्च कर सकते हो, और फिर अपना वर्क वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हो, बट आप स्पोज वीज़ा पे आके जो है काम नहीं कर सकते हो। तो ये नंबर 4 वीज़ा था। नंबर 5 पे आता है हमारा रिकवरी वीज़ा। न्यूजीलैंड में कुछ मंथ पहले जो है भूकंप आया था, तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने उसके लिए जो है रिकवरी वीज़ा निकाला हुआ था, चीज़ों को रिकवर करने के लिए। तो कम से कम उसकी वैलिडिटी जो थी, मतलब वो 6 मंथ का कम से कम तो मिल ही रहा था।
तो 6 मंथ के बाद जो है आपके क्वेश्चन थे बहुत सारे लोगों की, रिकवरी वीजा जो है 6 मंथ बाद क्या होगा, 6 मंथ बाद देखो आगे बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, गवर्नमेंट के क्या रूल आते हैं उस पे, तो उस चीज के लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। बट हाँ, उस टाइम के बीच में अगर आपके पास स्किल्स हैं या कुछ और अच्छी चीजें हैं या कुछ और आपको कोई और काम आता है, तो आप जो है वो यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं। वो आपके टैलेंट के ऊपर बात है, आपके स्किल्स के ऊपर बात है कि आप उस बीच में अगर कहीं जॉब सर्च कर लेते हैं तो आपको आपका जो है वर्क वीजा मिल सकता है, 3 ईयर का वर्क परमिट वीजा ले सकते हो। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर और आप सिचुएशनों के ऊपर कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये रिकवरी वीजा था। नंबर छह पे आता है हमारा सीजनल वीजा। सीजनल वीजा होता है हमारा फार्मिंग का, खेतों में काम करने का, फ्रूट तोड़ने का, जो कि सीजन के हिसाब से शुरू होता है। ये कम से कम जो है हमें 6 मंथ का सीजनल वीजा मिलता है, जो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के जो रूल्स हैं उनके हिसाब से 6 मंथ का मिलता है। ये 6 मंथ बाद जो है अब डिपेंड करता है कि आपका आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये सिचुएशन पे कि काम कैसा है, काम कैसा नहीं है, खेतों में काम है या नहीं है, या फ्रूट तोड़ने का काम है, या कीवी फ्रूट का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और दूसरा डिपेंड करता है आपका ओनर, जो आपकी कंपनी है जिसने आपको वीजा दिया हुआ है, वो आपका वीजा आगे बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं। हाँ, उस बीच में आप इंटरव्यू दे सकते हैं, न्यूजीलैंड में घूम सकते हैं, अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं या कुछ ऐसा आपको काम आता है कि आपको कहीं बाहर और जॉब मिल जाए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थे हमारे 6 ऐसे वीजा जिसमें सबसे ज्यादा जो है लोग न्यूजीलैंड में आते हैं और मूव करते हैं और यहाँ पे पीआर लेते हैं कुछ टाइम रहने के बाद, या किसी के स्किल्स अच्छे होते हैं तो वो पीआर ले लेते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और एक कमेंट जरूर करना। और इंस्टाग्राम में आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं कराया तो सेम नाम लवली राना एंजल से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है जितना मेरे नॉलेज में होगा तो आप मेरे को वहां डीएम कर सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।